और एमसीडी के चुनाव प्रचार में कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी अब उतर आए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सीएम केजरीवाल को कई उपाधियां दी हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेताओं ने बड़े आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी केजरीवाल को करप्शन वाद कहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया, केजरीवाल देश के सबसे झूठे आदमी। दिल्ली में शराब घोटाला और दूसरे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे केजरीवाल सरकार को एमसीडी चुनाव में भी एक कलंक का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उतरे तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने एक सिरे से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का दोषी बताया। केजरीवाल की पार्टी के करप्शन के मामले एक के बाद एक इतने सामने आए हैं कि वो केजरीवाल नहीं करप्शन बाल हो गए। आम आदमी पार्टी ईमानदारी का हवा बनाकर जीती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा बेईमान पार्टी कोई दूसरी है नहीं।